ये सेक्युलरिज्म नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये सेक्युलरिज्म नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक थूक का दरिया है, उसे चाट के जाना है। सच से कोसों दूर होते हुए भी खूब चिल्लाना है, सच से कोसों दूर होते हुए भी खूब चिल्लाना है, और सच सामने आते ही विक्टिम कार्ड चलाना है, और भैया रवीश पांडे की तरह प्रोपेगेंडा फैलाना है। अब कहा तो एक थूक का दरिया है, उसे चाट के जाना है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जामिया की लाइब्रेरी की उस वीडियो के बारे में, साथ ही साथ दिखाएंगे हम कि देश में किस तरीके से फासिज्म बढ़ रहा है। कमबख्त जब भी बीजेपी आती है देश का फासिज्म बढ़ जाता है, चाहे जल स्तर बढ़े ना बढ़े। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों रविवार को सुबह सुबह एक 29 सेकंड की वीडियो को वायरल किया जाता है। वैसे तो रविवार को सभी की छुट्टी होती है, मगर प्रोपेगेंडा बेचारे की रविवार की भी छुट्टी नहीं थी। तो इस वीडियो में दिखाया यह गया कि पुलिस जामिया की लाइब्रेरी में घुसती है और बर्बरतापूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स को पीटने लगती है। यही तो फासिज्म है दोस्तों। मगर दोस्तों क्या यह पूरा सच था? जी नहीं, यह पूरा सच नहीं था। इस 29 सेकंड की वीडियो के कुछ घंटों के बाद एक दूसरी वीडियो आई जो कि 45 सेकंड की थी, और इस 29 सेकंड से पहले की चीजें उसमें दिखाई गई थी, जिसमें दिखाया गया कि कुछ लोग भागे भागे आ रहे थे लाइब्रेरी के अंदर। मास्क उन्होंने पहना हुआ था और कुछ लोग तो बिना किताब खोले ही पढ़ रहे थे। बचपन में स्मार्ट वंडर में देखा था करिश्मा को इस तरीके से किताब पढ़ते हुए, पहली बार इसको लाइव देख रहा था। दोस्तों जब इस तरीके की बाइक या बसें जलाने वाली वीडियो सामने आई थी, उस वक्त ये सेक्युलर चश्माधारियों ने ये कहा था कि भाई जो बसें जलाने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। वहीं दूसरी ओर एक वर्स्ट केस सिनेरियो लें तो ये बाइक जलाने वाले लोग अगर लाइब्रेरी को ही जला देते तो क्या होता। अब भैया उस 29 सेकंड की भोकाली वीडियो को वायरल कराने में सबसे बड़ा हाथ था राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, राणा अयूब, आरजे साइमा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे लोगों का, और जावेद जफरी का मेंशन करना बेहद जरूरी है। लेकिन शाम तक इस पूरे प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ हो जाता है और पूरी की पूरी वीडियोस सामने आ जाती हैं, मगर उसके बावजूद इनमें से कोई भी व्यक्ति अपोलोजाइज नहीं करता और ना ही दूसरी वीडियो को शेयर करता है, और जो शेयर करते भी हैं वो एक अलग प्रकार के क्वेश्चंस पुलिस से पूछते हुए दिखाई देते हैं। राजदीप सरदेसाई नई वाली वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं कि भैया बेशक ये राइटर्स भी हों, तब भी पुलिस को इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। सेम ही बात, बिल्कुल सेम बात सागरिका घोष भी कह देती हैं। वाह क्या जोड़ी है, दोनों के गुण संपूर्ण मिलते हैं, भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे। पर दोस्तों मुद्दा यहां पर यह भी है कि अगर पुलिस राइटर्स के ऊपर लाठी नहीं चला सकती तो भैया कसाब जैसे लोगों के ऊपर भी गोली चलाने का उन्हें कोई हक नहीं था। वहीं आरजे साइमा, इन्हें तो भैया नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए लिब्रांडो होने के लिए। आरजे साइमा कहती हैं कि बच्चों ने, बेचारों ने रुमाल अपने मुंह पर इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि वहां पर टीयर गैस चलाई गई थी और ठंड थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस जो है वो लाठी चार्ज भी कर रही थी, इसीलिए लोग जो है वो भाग रहे थे। ये सभी स्टूडेंट्स थे, राइटर्स नहीं, मगर इन्हें ये पत्थर फेंकते हुए स्टूडेंट्स दिखाई नहीं देते। भैया इनकी कहानी बहुत अलग है, इनको छोड़ देते, आगे की बातें करते हैं। वेरी क्लियर दैट दीज इंडिविजुअल्स आर इन फैक्ट इंडल्जिंग इन स्टोन पेल्टिंग। Who are these individuals? The rioters, perhaps the police spoke of, or the agitators who then found their way into libraries, as the police claims, and they went chasing after them. This is another angle that we are now showing you on our screens, another angle that has been released and accessed by Times Now, where stone pelting is happening. We can see very clearly these individuals are pelting. अब क्या दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के लोगों ने इस प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा या कोई फेक न्यूज फैलाई है? इसका जवाब भी है नहीं। तो ये जो आरजे साइमा है, ये मैडम मॉब को कह रही हैं एड्रेस देके कि आप यहां पर आइए पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने, यहां पे भोकाल मचाएंगे। फिर उसके बाद जब विरोध होता है तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर राजदीप सरदेसाई भाई साहब, वो सोहराबुद्दीन केस के मामले पर फेक न्यूज फैलाने के लिए कोर्ट में लिखित रूप से भोकाली माफी मांगते नजर आते हैं। अभिसार शर्मा ट्रेन से लाइट ही गायब कर देते हैं। तो दोस्तों ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से टाइम एंड अगेन प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं।
कभी कोई फोरफ्रंट में होता है तो कभी कोई और। अब दोस्तों जानते हैं कि ऐसी वीडियोस कब चलाई जाती हैं और क्यों चलाई जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं करते हैं, 2014 के बाद की बातें करते हैं। 2014 में बीजेपी रूल में आई और उसके कुछ ही महीनों के बाद चर्च के ऊपर अटैक हो गया और उसके बाद इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को शेयर किया गया और बाद में पता चला कि चर्च के ऊपर जो हमला किया था वो एक शराबी ने पत्थर फेंक दिया था उसका कांच तोड़ने के लिए। इसी प्रकार से इंटॉलरेंस का प्रोपेगेंडा फैला गया, भारत असहिष्णु है ये दिखाने के लिए बहुत सारी इस प्रकार की वीडियोस को, इस प्रकार की खबरों को चलाया गया टाइम एंड अगेन, लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी ध्वस्त हो गया। राफेल के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया गया, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी खबरें ऐसी छापी गई, द हिंदू जैसे अखबार में भी ऐसी झूठी खबरें छापी गई जो कि सरासर गलत थी और नतीजा यही हुआ कि राफेल का प्रोपेगेंडा भी बस्ट हो गया। बताया जा रहा था कि गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, डेटा तैयार किया गया इंडिया स्पेंड्स के द्वारा, देश विदेश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने इसको यूज भी किया, लेकिन उसके बाद 2019 के चुनाव खत्म होते ही इस डेटा को डिलीट कर दिया गया। और आपको तो पता ही होगा कि डेटा डिलीट क्यों किया गया। वहीं 2019 के चुनाव के बाद नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जय श्री राम बोलकर मॉब लिंचिंग हो रही है, राम के नाम पर लिंचिंग हो रही है। उस प्रोपेगेंडा के फेल होने के बाद अब नया प्रोपेगेंडा आया है, बच्चों को पीटा जा रहा है, फासिज्म बढ़ रहा है। दोस्तों शाहीनबाग का प्रोटेस्ट दिल्ली चुनावों के बाद धीमा पड़ गया, लोगों की भारी कमी वहां पर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में अब सीएए का प्रोटेस्ट किया जाएगा। आप वजह समझ रहे होंगे, बिहार के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और जिस प्रकार से जेएनयू वॉयलेंस को यूज किया गया सीएए के प्रोटेस्ट को दोबारा शुरू करने के लिए, उसी प्रकार से हो सकता है कि इस वीडियो को भी वायरल किया जा रहा है सीए प्रोटेस्ट को दोबारा शुरू करने के लिए और हो सकता है इस बार फोरफ्रंट बिहार हो। नहीं तो हिसाब से इस वीडियो को तभी वायरल कर देना चाहिए था जब पुलिस ने स्टेटमेंट ये दी थी कि भैया कोई भी पुलिस वाला जामिया की लाइब्रेरी में नहीं गया, और स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई कोई भी राइटर जामिया की लाइब्रेरी में नहीं आया। दोस्तों अब देखते हैं देश विदेश की मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कैसे कवर किया। अल जजीरा कहता है कि फुटेज आ गई है, पुलिस ने स्टूडेंट्स पर अटैक किया। वहीं दूसरी ओर टीआरटी पोर्टल जो कि टर्किश पोर्टल है वो कहता है पुलिस ने स्टूडेंट्स पर बर्बरता की लाइब्रेरी के अंदर। वहीं टेलीग्राफ ने लिखा इट्स विशियस। वहीं अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस 29 सेकेंड वाली डॉक्टर्ड वीडियो को शेयर किया। पर दोस्तों यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि सभी के सभी लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो मीडिया हाउस के लोग हों या वो सेलेब्स हों, ये सभी के सभी लोग ये इस डॉक्टर्ड वीडियोस को शेयर करके दिखाना क्या चाहते हैं। जी बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में फासिज्म बढ़ गया है, और ये अभी से नहीं दिखाना चाहते हैं, ये हमेशा तभी फासिज्म चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब भी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। कुछ पब्लिकेशंस ने अटल जी को साफ तौर पर फासिस्ट कहा, कुछ पब्लिकेशंस ने अटल जी को मॉडरेट कहा, लेकिन साथ में ये लिखना बिल्कुल नहीं बोले कि वो नियो नाजी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कुछ पब्लिकेशंस तो ये कहती हैं कि भाई अटल जी के मॉडरेट होने से कुछ नहीं होता, फासिज्म तो बढ़ ही रहा है। यूके की पब्लिकेशन द इंडिपेंडेंट का कहना है अटल जी फासिस्ट हैं और चर्चिल की तरह फेस चेंज कर रहे हैं। 25 अप्रैल 2014, अभी मोदी जीते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं थी, लेकिन द आउटलुक नाम की पत्रिका में छप गया कि भैया फासिज्म बढ़ रहा है। इस ब्लॉग में साफ तौर पर लिखा गया है कि अटल जी फासिस्ट थे मगर टाइम ने उन्हें चेंज कर दिया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि भाई अटल जी नियो नाजी आरएसएस से आते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको सेंटर में दिखेगी, लोग ये चिल्लाना शुरू अपने आप कर देंगे कि फासिज्म बढ़ गया है, यही प्रोपेगेंडा है और यही प्रोपेगेंडा आपको समझना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें patreon.com पर सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट बेहद वांछनीय है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ पिंड कॉमेंट में भी मिल जाएगा।
इसके अलावा आप हमें ज्वाइन बटन दबाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।